हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय फ्री स्पोकन क्लास। मायसेल्फ प्रियन आर्या एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड गैलरी। फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ स्पोकन क्लास, सो आई एम वेरी हैप्पी विथ माय स्पोकन क्लास ऑफ वीडियो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्निंग इज दे शुड स्टार्ट बाय जीरो लेवल, सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो मैं आप लोगों को स्पोकन क्लास को ध्यान में रख के लेके आया हूँ। ये डे फर्स्ट का जो पहला वीडियो है जिस पे हमारा टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस, अर्थात आप अपने आप का परिचय किस प्रकार से देते हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज फ्यूचर में या फिर अभी प्रेजेंट में आप जहाँ भी वर्क कर रहे हो तो आपको इस तरह से समस्या का सामना करना पड़ता है कि आप अपने आप को कैसे दूसरे व्यक्ति को कैसे इम्प्रेस कर सकते हो। तो लीजिए स्टार्ट करिए, और ये छोटा सा टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस, जिसमें 6 बेसिक पॉइंट्स के माध्यम से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो कहते हैं, हम अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट, अर्थात छोटा और सटीक। तो अगर आपका इंट्रोडक्शन छोटा होगा लेकिन यदि वह सटीक होगा तो यू कैन इम्प्रेस एनीवन एवरीवन। आप किसी को भी अंग्रेजी में इम्प्रेस कर सकते हो फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन। तो लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे। तो सबसे पहले मैं पूरा का पूरा आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि क्या लिखा गया है बोर्ड पे। गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स, लिखा हुआ है हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इसके बाद लिखा है माई सेल्फ रियल आर्या, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आई स्टडी इन 12th, माय हॉबी इज सिंगिंग सॉन्ग एंड माय एम इज टू बिकम एन इंजीनियर। दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, थैंक्स टू ऑल। तो ये बहुत ही छोटा था कुछ सेंटेंसेस के जिसके माध्यम से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो चलिए मैं इसका एनालिसिस आपके सामने रखता हूँ। आपके सामने कुछ इस तरह से प्रश्न होते हैं कि आप जो है अपने आप को कैसे अंग्रेजी में कहोगे, क्या कहोगे। तो आप अपने आप को अंग्रेजी में हेलो फ्रेंड्स मतलब दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल, सबों को सुबह का प्रणाम। यदि इवनिंग है तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल, संध्या समय का सबको प्रणाम। आप ऐसे कह सकते हैं। और सबसे पहले आप अपना नाम लेंगे, तो नाम लेने के 3 तरीके। पहला है माई सेल्फ रियन आर्या, आई एम रियन आर्या, और तीसरा कहेंगे माई नेम इज रियन आर्या। तो बाय दिस 3 वेज यू कैन से अबाउट यू कैन से योर नेम। आप अपने नाम को बाय इन 3 तरीके से कह सकते हैं। दूसरा है कि आप कहाँ रहते हो, आपके रहने को लेकर है कि या आप कहाँ से हो या कहाँ से रहते हो। तो आप कह सकते हो आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ, या आप कह सकते हो मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। आप कुछ इस तरह से अपने बारे में कह सकते हो कि कहाँ से रिलेटेड हो। तीसरा जो है आपकी उम्र के बारे में कि आप कितने वर्ष के हो। तो जस्ट लाइक एज एग्जाम्पल मैं आपकी उम्र को ख्याल में रखते हुए मैंने पेन डाउन किया है कि आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, मैं 20 साल का हूँ, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, मैं 20 साल का हूँ, तो आप यहाँ कह सकते हो। तीसरा है आपकी स्टडी के बारे में। तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वीडियोज़ जो देख रहे होंगे, अगर वो 10th पास आउट होंगे या 12th पास आउट या फिर ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या जो भी वीडियोज़ हैं, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे वो रख सकते हैं। जैसे अगर 12th के बच्चे होंगे कहेंगे आई स्टडी इन क्लास 12, या फिर इसके स्थान पे आप यह भी कह सकते हैं आई रीड इन स्टैंडर्ड 12, आई रीड इन स्टैंडर्ड 12, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप कह सकते हैं आई एम ग्रेजुएट, आई एम ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं स्नातक हूँ, या आप कह सकते हैं आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, मैं स्नातकोत्तर हूँ। तो चलिए इसके बाद आते हैं एम का, तो एम सॉरी हॉबी पे आते हैं। तो हॉबी क्या होता है, शौक, हॉबी का हिंदी अर्थ होता है शौक। तो आप अपने शौक के बारे में कैसे बोलते हो, कहते हो कि मुझे गाने का शौक है, मुझे खेलने का शौक है, मुझे पढ़ने का शौक है, मुझे टीवी देखने का शौक है, या फिर आप बहुत सारे अपने शौक रखते हो। तो कुछ मैंने यहाँ पर जो है शॉर्ट आउट करके रखा है, जैसे माई हॉबी इज सिंगिंग सॉन्ग, मेरा शौक गाना गाने का है,
या फिर आप कह सकते हो माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, मेरा शौक क्रिकेट खेलने का है, या फिर आप कह सकते हो माई हॉबी इज डांसिंग, बहुत बच्चों को नृत्य करना अच्छा लगता है तो वो कह सकते हैं माई हॉबी इज डांसिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में है वो आप कहोगे आप अपने एम के बारे में। तो हमारा जो शौक होता है शौक से हमारा एम बिल्कुल ही अलग होता है, लक्ष्य जो आप बनना चाहते हो। तो बहुत सारे बच्चे अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से अपने एम को डिसाइड करते हैं, या फिर जो भी आपने एम बना के रखा है, लक्ष्य बना के रखा है, उसे आप कहेंगे कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या फिर मैं एक IAS या IPS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, या मैं सिविल सेवा में जाना चाहता हूँ, कुछ इस तरह से आप अपने बारे में कहते हैं। तो अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, आई एम इज टू बिकम अ डॉक्टर एन इंजीनियर। या फिर दूसरे तरीके से अगर आप अपने एम के बारे में करना चाहते हो तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आई वॉन्ट टू बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या कहेंगे आई वॉन्ट टू बी कंप्लीट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आप यू भी कर सकते हो। तो ये दो तरीके हैं अपने एम के बारे में बताने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से यहाँ तक का हिंदी समझ में आया होगा। फिर अंत में कहते हैं दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, यानी कि जो चीज़ें मैंने कही वो मेरे खुद के बारे में था। थैंक्स टू ऑल, ये अंत में कहना थैंक्स की परंपरा है, थैंक यू छोटे के लिए, अगर छोटा मीटर हो तो आप थैंक यू थैंक्स कहते हैं, और अगर बहुत अगर ज़्यादा आपके ऊपर कोई हेल्प है तो आप थैंक यू शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बाय दिस 3-6 स्टेप्स यू कैन इंट्रोड्यूस योर स्पेल। तो हमारा ये जो टॉपिक है डे फर्स्ट का, हाउ टू इंट्रोड्यूस, इन स्टेप्स के माध्यम से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो चलिए कुछ प्रश्न जो है इस टॉपिक पे आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे हो सकता है कि आप कन्वर्सेशन करना चाहो इसी पॉइंट पे, अगर आपको याद करने में परेशानी हो रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन करो। तो कुछ इस तरह से प्रश्न बनाए आप, व्हाट इज, मैंने कुछ प्रश्न को जो इस हाउ टू रिड्यूस से रिलेटेड है उसको ऑलरेडी बोर्ड पर पेन डाउन करके रखा है। तो पहला प्रश्न को पढ़ते क्या लिखा है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो आप कह सकते हैं माय नेम इज दीपक कुमार सिंह, आप अपना नाम लोगे जो भी है, माय नेम इज दीपक कुमार सिंह, माय सेल्फ दीपक कुमार सिंह, या फिर आप कहेंगे आई एम दीपक कुमार सिंह। बाय थ्री वेज यू कैन से योर नेम, बाय थ्री वेज आप अपने नाम को तीन तरीके से कह सकते हो। लेट्स दूसरा प्रश्न के बारे में देखते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, तो आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम भागलपुर, आई एम फ्रॉम पटना, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से कह सकते हो आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूँ। दूसरा प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको। तीसरा प्रश्न है हाउ ओल्ड आर यू, दैट मीन्स आपकी उम्र क्या है, तो आप क्या कहोगे, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, मैं 30 साल का हूँ, 35 साल का हूँ, कुछ इस तरह से कहेंगे। अगले स्टेप में आपके पढ़ाई के बारे में पूछा जाएगा, इन विच क्लास डू यू स्टडी, या इन विच क्लास डू यू रीड, आप किस कक्षा में पढ़ते हो, किस संस्था में पढ़ते हो, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कह सकते हो आई स्टडी इन क्लास 12th, या आई रीड इन स्टैंडर्ड 12th, आप ये भी कह सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज योर हॉबी, तुम्हारा शौक क्या है, मैंने शौक के बारे में चर्चा कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो शौक कहेंगे माई हॉबी इज सिंगिंग सॉन्ग्स, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबी इज डांसिंग, माई हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक, आप बाय अपने वे से अपने सोच से आप इनमें से जो चूज करके कोई एक को आप पॉइंट कर लेंगे और उसी को कहेंगे। अगले प्रश्न पर जाते हैं, व्हाट इज योर एम, एम मतलब लक्ष्य, एम या एम्बिशन दोनों एक ही चीज़ हैं, तो एम मतलब लक्ष्य, और लक्ष्य के बारे में बता चुका हूँ, तो आपका लक्ष्य क्या है, तो आप आंसर कर सकते हैं आई वॉन्ट टू बिकम एन इंडियन आर्मी, मैं एक भारतीय सैनिक बनना चाहता हूँ, इंडियन आर्मी में जाना चाहता हूँ, या फिर आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, या फिर आप दूसरे तरीके से इस तरीके से कह सकते हैं माई एम इज टू बिकम एन इंजीनियर, मेरा लक्ष्य एक इंजीनियर बनना है। तो दिस ऑल अबाउट द टॉपिक हाउ टू इंट्रोड्यूस, दिस इज द फर्स्ट वीडियो रिलेटेड टू स्पोकन क्लास, आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और सजेशन प्लीज गो टू कॉमेंट बॉक्स एंड मस्ट राइट, एंड थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड, लेट्स
close the class and meet you once again in my next spoken class or video. Thank you to everybody.